हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्थ 24 PGS चैंप्स वर्सेस विप्लव चंद्र नागरिक के बीच में होने वाले 15 T20 मैच के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 9:15 होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये मैच स्टार्ट होने में लगभग अभी भी यहाँ पर 3 घंटा बचा है। तो फ्रेंड्स, ये मैच वेस्ट बंगाल क्रिकेट ग्राउंड कल्याणी वेस्ट बंगाल कोलकाता में खेला जाएंगे, बंगाल क्रिकेट ग्राउंड में। और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स, विकेट कीपर है, बैट्समैन है, ऑलराउंडर है और यहाँ पर बॉलर्स है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल मिला के आपको यहाँ पर 40 से 50 प्लेयर्स बीच में मिलेंगे। तो इसमें हम लोग यहाँ पर टॉप 11 प्लेयर्स को पिक करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई मुश्किल का काम नहीं होने वाला है, बहुत आसान होगा। आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, मुझे फॉलो करना। मुझे फॉलो ही करते आपको यहाँ पर टॉप 11 प्लेयर्स मिल जाएंगे। ये टॉप 11 प्लेयर्स को लेकर आप किसी भी लीग, स्मॉल लीग हो, ग्रैंड लीग हो, हेड टू हेड हो, मिनी ग्रैंड लीग हो, जो भी लीग आप खेलना चाहोगे, मैं 100% गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स, आप इजीली जीत जाओगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है फ्रेंड्स, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पर जाकर इस तरह सर्च करना, क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे, सर्च करते आपको मेरे चैनल्स हो जाएगा फ्रेंड्स। 1450 प्लस सब्सक्राइबर्स है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 1400 to 1500 के बीच में रहने वाला है। तो यहाँ पर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि फेक अकाउंट बहुत लोग बंदे सेम चैनल बनाएं तो वहाँ पर पेड टीम्स देते हैं फ्रेंड्स, वहाँ जाकर लॉस मत करना। आप लोग सेम चैनल मेरा ही जैसे नाम बना लिए तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसलिए मैं 4 सब्सक्राइबर्स को शो कर रहा हूँ, 1450 to 1500 के बीच में रहने वाला है। तो जल्दी से आपको ये 50 सब्सक्राइबर मैं इसी वीडियो में मांग रहा हूँ, 50 सब्सक्राइबर आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। अगर टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स, मैं एक अच्छे इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और फाइनल टीम इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर ही देने वाला हूँ। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पे विकेट कीपर था, जल्दी से विकेट कीपर को पिक कर लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर किस विकेट कीपर को लेना चाहिए आपको स्टैट्स देख के पता चल जाएगा। तो पहला प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर सुमन साहा, अगर इनकी बात करें 41 मैच में 1026 रन बनाए, नॉट प्लेयर जो एक मैच खेले थे उनको बेंच पर बैठाया गया, बेंच में मतलब टीम पर थे लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बैटिंग मौका नहीं मिला। उसके बाद सयान भौमिक की बात करें तो 8 मैच पे 254 रन और 3 विकेट, तो यहाँ पर ये कन्फर्म हो गया कि विकेट ये भी नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पर इनके पास विकेट्स भी हैं। उसके बाद यहाँ पर सयान मुखर्जी की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर NPC के लिए खेलते हैं, 29 मैच में 1292 रन। और यहाँ पर अरिंदम घोष को लास्ट मैच में मौका मिला फ्रेंड, 64 रन बनाए, BIC के लिए खेलते हैं। स्वप्नदीप काबीराज की बात करते हैं 33 रन से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्वप्नदीप काबीराज यहाँ पर विकेट कीपिंग करते हैं और यहाँ पर अरंदीप घोष विकेट कीपिंग नहीं करते, लेकिन फ्रेंड्स इस प्लेयर को आपको लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको विकेट कीपर में यहाँ पर स्वप्नदीप काबीराज को चला जाए, नहीं तो अरिंदम घोष को पिक कर लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस पर आप पे डिपेंड है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अरिंदम घोष को लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक विकेट कीपर को हम लोग ले लिए हैं। अब आ गए यहाँ पर बैट्समैन की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बैट्समैन की बात करते हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर बैट्समैन की स्टैट्स भी। तो पहला प्लेयर है अभिषेक दास, अगर इनकी बात करते हैं लास्ट 5 मैच में 0-14-35-17-48 है, इनके बेस्ट 48 और 35 रन से फ्रेंड्स। यहाँ पर कौशिक घोष ने लास्ट 5 मैच में 50-21-24-32-3 और 9 पे, इनकी बेस्ट है 50 और 32 रन इनकी बेस्ट है। तो उसके बाद यहाँ पर पंकज शाह ने 10 रन 1 विकेट 10 रन 2 विकेट 26-26 नॉट प्ले 26। तो यहाँ पर 3 मैच में 26 बनाए, एक मैच में नहीं खेले, उसके बाद 10 रन बनाए और 3 विकेट मिला फ्रेंड्स इनको लास्ट 2 मैच में। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेनजीत दास की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे 201-9-33 और 14 रन से। उसके बाद यहाँ पर सुदीप चटर्जी ने लास्ट 5 मैच में 12-4-50-1 और 13 रन बनाए। उसके बाद यहाँ पर दीपंकर हलदर की बात करते फ्रेंड्स 22 मैच में 898 रन बनाए। और यहाँ पर पायल गोसल को लास्ट मैच में मौका मिला, 16 रन बना के आउट हो गए। संकित बनर्जी की बात करते हैं लास्ट 5 मैच में 0 विकेट 1 विकेट 0 0+2 विकेट है। उसके बाद अर्जित बासु की बात करते हैं लास्ट मैच में यहाँ पर 3 रन बनाए और 2 विकेट लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बैट्समैन में यहाँ पर सुदीप चटर्जी को आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रसन्नजीत दास, पंकज शाह है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो कौशिक घोष है फ्रेंड्स, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अभिषेक दास को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बैट्समैन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख कौशिक घोष को यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो पी शाह है फ्रेंड्स, इनको पिक कर लीजिएगा, ये बासु है आप इनको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 3 बैट्समैन आपको काफ़ी है, आप दूसरे पर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर 3 बैट्समैन को हम लोग ले लिए फ्रेंड। अब आ गए यहाँ पर ऑलराउंडर्स की, तो यहाँ पर कोशिश करना है कि हम लोग को बेस्ट ऑलराउंडर को लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलराउंडर में पहला प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर संदीपन दास, इनके एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, इनको बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। 52 रन कोई विकेट नहीं, 47 रन 2 विकेट 2 विकेट नॉट प्ले 2+1 विकेट और 0 विकेट है। तो संदीपन दास को आप 100% टीम में लेना है फ्रेंड्स यहाँ। उसके बाद दीपंजन मुखर्जी की बात करें 0+1 विकेट 1+2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 9+0 विकेट 2+0 विकेट है। उसके बाद उदीपन मुखर्जी की बात करें तो 1 विकेट 7+1 विकेट है। राजदीप पाल ने 1 रन और 1 विकेट लिए, सूरज चौधरी 3 रन बनाए। उसके बाद यहाँ पर तीर्थंकर भंडारी की बात करें तो 7 रन
रन बना के आउट हो गए। तो यहाँ पर आपको संदीपन दास आपको बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो फ्रेंड्स आप एक और प्लेयर को तीर्थंकर बंधारे को आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे इंपॉर्टेंट प्लेयर है तो आप इनको भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको राजदीप पाल भी आपको बेस्ट ऑप्शन है, तो संदीपन दास सीनियर को ले रहे हैं। मुखर्जी को आप यहाँ पर ले लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर उसके बाद राजदीप पाल है, उसके बाद भंडारी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3-4 ऑलराउंडर को हम लोग ले लिए। अब आगे यहाँ पर गेंदबाजों की, तो गेंदबाजों की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है यहाँ पर बॉलर। तो यहाँ पर बॉलर्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला प्लेयर है मदन रॉय अग्रण की बात करें, 36 मैच में 128 रन और 33 विकेट, अभी तक एक भी मैच नहीं खेले। और अखिलेश यादव ने 48 मैच में 493 रन 44 विकेट है। राहुल बसपोर ने लास्ट 3 मैच में फ्रेंड्स लास्ट मैच में इनको 2 विकेट मिला, 1 विकेट है 0 विकेट है। राजू हल्दर 2 मैच खेले, 2 मैच में 3 विकेट लिए। उसके बाद प्रभात मौर्य की लास्ट 5 मैच की बात करें, 1 रन कोई विकेट नहीं, 0 विकेट 0 विकेट, 11 रन कोई विकेट नहीं, 0 विकेट और 2 विकेट है। उसके बाद मोहम्मद इमरान अंसारी की बात करें तो लास्ट 2 मैच में 4 विकेट और 0 विकेट है। रोहन पांडे को 1 विकेट मिला। और सुमंता भट्टाचार्य की बात करें तो 0 विकेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो मोहम्मद इमरान अंसारी है, इनको लास्ट मैच में 4 विकेट मिला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बॉलर्स एक से एक है, यहाँ पर रोहन पांडे है, इमरान अंसारी है, उसके बाद यहाँ पर राहुल बसपो, राजू हल्दर है फ्रेंड्स यहाँ पर, उसके बाद अखिलेश यादव, मदन रॉय है। लेकिन अगर यहाँ पर गेंदबाजी के राजू हल्दर है फ्रेंड्स, यहाँ पर इमरान अंसारी लास्ट मैच में 4 विकेट हैं, तो उसके बाद राहुल बसपो आपको ये 3 है। और उसके बाद यहाँ पर आर पांडे को आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं टीम मेरा बन गया फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेफ टीम के लिए संदीपन दास सीनियर आपको 100% बेस्ट ऑप्शन है। तो आप ग्रैंड लीग हो, स्मॉल लीग हो, मिनी ग्रैंड, जो भी लीग आप ज्वाइन करना चाहोगे फ्रेंड्स, आपको संदीपन दास बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर अगर वाइस कैप्टन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर मोहम्मद इमरान अंसारी बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि लास्ट मैच में 4 विकेट लिए। तो यहाँ पर आपको इस भंडारी को नहीं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर डी मुखर्जी पे चला जाइए, आपको ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नहीं तो यहाँ पर पंकज शाह को आप यहाँ पर पिक कर सकते हो वाइस कैप्टन में। तो फ्रेंड्स ये कोई मेरा फाइनल टीम नहीं है, एक बार देख लेना एक बार। तो विकेट कीपर में ये घोष को मैंने लिया, और बैट्समैन में के घोष, पीसा और ये बासु है। और यहाँ पर ऑलराउंडर्स में संदीपन दास सीनियर, डी मुखर्जी, भंडारे और राजदीप पाल है। और यहाँ पर गेंदबाजी में राहुल बसपोर, राजू हल्दर और मोहम्मद इमरान अंसारी है। और कैप्टन में संदीपन दास सीनियर, डी मुखर्जी है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखना, अभी मैं बता रहा हूँ कोई मेरा फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी अगर एक भी प्लेयर मिस होता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पे ही देने वाला हूँ। तो यहाँ पर टेलीग्राम पे आपको फाइनल टीम मिल जाएगा फ्रेंड्स, जल्दी से ज्वाइन कर दीजिएगा। लिंक ओपन नहीं होता है तो क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे सर्च करते हैं, मेरा चैनल हो जाएगा फ्रेंड्स, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेना, 1450 प्लस सब्सक्राइबर्स है। तो फ्रेंड्स आप आ गए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये 15 T20 मैच है बाइजूस बंगाल इंटर डिस्ट्रिक्ट T20 लीग का। और यहाँ पर ये मैच 8:45 होने वाला है फ्रेंड्स, बंगाल क्रिकेट अकेडमी ग्राउंड कल्याणी वेस्ट बंगाल इंडिया में खेला जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर दोनों टीम के पॉइंट्स टेबल की बात करें, NPC ने 2 मैच खेले, दोनों मैच जीत के यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे, ग्रुप सी का है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर BIC ने यहाँ पर 2 मैच में एक मैच जीते एक मैच हार के सेकंड पोजीशन पे। तो पूरे ग्रुप सी में 4 टीम है फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट वर्सेस सेकंड के बीच में मैच होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर पिच की बात करते हैं, बॉलिंग के लिए फेवरेबल है, 106 रन तक, 120 रन तक बन सकता है। क्लियर स्काई फ्रेंड्स, 22.24 डिग्री टेम्परेचर है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर विनिंग चांसेस की बात करते हैं, नॉट 24 PGS चांस यहाँ पर 60%, विप्लवी चंदर नागर की बात करते फ्रेंड्स यहाँ पर 40% है। और यहाँ पर नॉट 24 PGS चांस ने लास्ट 2 मैच खेले, दोनों मैच जीत गए। और यहाँ पर विप्लवी चंद्र नागौर ने यहाँ पर एक मैच खेले, एक मैच हार गए, एक मैच जीत गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आई होप आपको मैंने सारे इन्फॉर्मेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना फ्रेंड्स, थैंक यू।